और अंदर भी बहुत गर्मी हो रही है। मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पर मम्मी बोलती है लॉकडाउन में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्या करूं? आइडिया, मैं प्रीति दीदी को और संकेत भैया को बोलती हूँ मेरे लिए आइस कैंडी बनाए, आपको भी चाहिए ना? तो गाइस देखा आपने, परीना बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि समर सीजन है, उसे आइस कैंडी खानी है, बाहर की आइस कैंडी खा नहीं सकती, तो हम घर पे आइस कैंडी बनेंगे। तो आई होप कि आपको भी देखना है कि घर पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइस कैंडी कैसे बनाते हैं ना, और उसके लिए ना घर का ही सामान काफी है, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे प्रीति, आम क्या खा रही है तू? हमें आइस कैंडी बनानी है ना। अरे तो यही तो है, मैंगो आइस कैंडी। ये आइस कैंडी है? ओह माय गॉड, ये डिट्टो एकदम सेम टू सेम मैंगो जैसी दिख रही है। क्योंकि ये मैंगो आइस कैंडी है पागल। मतलब रियल मैंगो की? यस। और वो भी घर पे बनाई तूने? चल ना दिखाना कैसे बनाते हैं। गाइस आपको भी देखना है इसे कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो सामान आ गया है, बस तीन ही चीजें चाहिए प्रीति। हाँ, तो इस आइस कैंडी बनाने के लिए ना हमें चाहिए मैंगो, तो ऑब्वियसली मैंगो सीजन है तो ये आपको मिल ही जाएगा। शक्कर जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती है, और दही, तो आप दही की जगह एक्चुअली दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर और भी जैसे आइसक्रीम भी डाल सकते हो, वेनिला आइसक्रीम। ओके, तो चलो मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। पहले क्या करना है? तो पहले कुछ नहीं, दही थोड़ा खट्टा होता है तो हम इसमें डालेंगे शक्कर और इसे मिक्स करेंगे। शक्कर कितनी डालनी है? अरे आपके अनुसार है, जैसे आपको अगर ज्यादा स्वीट पसंद है। मुझे तो बहुत ज्यादा स्वीट पसंद है, मैं बहुत ज्यादा डालूंगा। लेकिन ये तुझे नहीं मिलेगा ना, ये मैं और परी मिल के खाएंगे। तो इसे हम मिक्स 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 करेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स। तो अभी ये मिक्स हो गया, अभी इसके बाद? अभी कुछ नहीं, आपके ना ऊपर का जो पार्ट है इसे निकालेंगे इस तरह से। ओ, छोटा सा ही निकाला तूने, तो क्या बड़ा पूरा आ जाएगा तू? ओके, फिर क्या करना है? फिर ना इसके अंदर जो गुठली है ना हमें उसे निकालना है। आम की गुठली निकालनी है? तो इसे ना बहुत केयरफुली निकालना है आपको। ओके, सो एक एक करके तू छुरी अंदर डाल के उसकी गुठली निकालेगी। यस, तो ये बेटर है कि आप अपने मम्मी को बोलो कि वो अच्छे से निकाले। मम्मी को बोलो। ये तो गुठली निकाल ली प्रीति ने। हाँ, तो इसके साथ ना थोड़ा सा जूस भी निकलेगा, मतलब इसके अंदर का जो होता है। हाँ। तो हम इसके अंदर फिर से डाल देंगे, जैसे अभी इस गुठली के ऊपर थोड़ा सा आम का पार्ट है, तो इसे ना हम छुरी से या फिर चम्मच से निकाल के फिर से डालना है। ओके। हाँ। ठीक है, डाल दिया। हो गया। हाँ, अभी? अभी कुछ नहीं, बस इसके अंदर हम दही डाल देंगे। ओह, बहुत सिंपल लग रहा है गाइस। एक्चुअली आपके पास दही नहीं है तो आप दूध डालिए। ओह, दूध भी डाल सकते हैं दही के जगह पे। वाव, दूध के साथ शक्कर मिला के ना? यस। वाव गाइस, देखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ना रियल आम का फील चाहिए ना, तो आप ये जो ऊपर का पार्ट है ना इसके ऊपर ऐसे रख सकते हो। देखो, तो पूरा आम ही हो गया ये। यस, और अभी ये फ्रीजर में रखना है। ये तो हम क्या करेंगे, मुझे तो कैंडी चाहिए, इसलिए फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चम्मच। तो इसके अंदर ना हम इस चम्मच को डालेंगे। अगर आपके पास ना वो कैंडी स्टिक है तो आप कैंडी स्टिक डाल सकते हो। वो लेने के लिए बाहर कौन जाएगा, ये तो अच्छा लग रहा है यार। घर पे ही बनाएंगे, मेरे पास कैंडी स्टिक नहीं है तो मैं पूरा एक चम्मच ही डाल दूंगी। तो अभी क्या, हम ना इसे अभी रखेंगे फ्रीजर में, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आधा एक घंटे में ये अच्छे से फ्रीज हो जाता है। तो चलो मिलेंगे आधे घंटे बाद। ये ले तेरी मैंगो आइस कैंडी जो फ्रीज होके रेडी हो चुकी है। ओह वाव, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो गाइस आप ना इसके ऊपर का छिलका निकाल सकते हो आराम से छुरी या फिर वो पील। वाव प्रीति, सच्ची में ये बहुत टेस्टी हुई है। ऑब्वियसली मैंने बनाई है तो टेस्टी तो बनेगी ही ना। गाइस आपको ये घर पे ट्राई करना ही पड़ेगा, ये बहुत टेस्टी हुई है। और आपको देखना कि ये अंदर से कैसी दिखती है। एक मिनट मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। चल दे इधर, बहुत खा लिया। तो गाइस बताइए कि आपको मेरी डिलीशियस मैंगो कैंडी कैसी लगी? अरे वो तो ठीक है, वो तो अच्छी थी, पर उससे भी अच्छी कैंडी मैं बताऊँ क्या होने वाली है? क्या? बिस्किट वाली।
बिस्किट आइस कैंडी? हाँ पता नहीं, ये तो मैंने पहली बार सुना है। तो चलो पहले उसके लिए सामान लाते हैं। हाँ तो ये है सामान, बस तीन चीजें। अरे बाप रे, बस तीन ही चीजें? हाँ क्या क्या करना होता है पता है? हमारे घर में जो भी बिस्किट हो, जैसे हमने यहाँ पे हमारे घर पे था मारी बिस्किट और हाइड एंड सीक, तो आपके पास जो भी है, पार्ले जी है, ओरियो है, जो भी बिस्किट है वो ले लो। उस बिस्किट के साथ साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा दूध, दूध और ये कप ना आइस कैंडी को शेप देने के लिए। तो आप नॉर्मल ग्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो दूध वैसे भी आप लोगों को पसंद नहीं, लेकिन इस तरह से आप पियोगे ना तो ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। पीना थोड़ी, हमें आइसक्रीम बनाना है। तो चलो अभी क्या करेंगे पता है क्या? ये जो बिस्किट्स है ना, इनको हाथ से क्रश करेंगे या तो फिर आप चम्मच से थोड़ा क्रश कर सकते हो ना। अगर आपके अगर आपकी मम्मी आपको हेल्प कर रही है तो आप इसे मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ देखिए हाथ से करने वाले, ये देखिए। ओके तो पहले हम करेंगे कौन सा? ये हाइड एंड सीक वाला, ये क्रश कर रहे हैं हम लोग। ये इजीली क्रश हो जाता है, ये देखिए, ये देखिए। मैं भी हेल्प करती हूँ तुम्हें। तो गाइस ये देखो, ये क्रश करके हो गया। अभी क्या करना है पता है क्या? क्या? इसमें सिर्फ दूध ऐड करना है। पूरा दूध डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया मिक्स करके मिल्क के साथ। और अभी ये देखिए, ये डाल दिया हमने अपने ग्लास के अंदर। वाओ अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए हमने ग्लास में डाल दिया। अगर आपके पास आइस कैंडी की वो स्टिक होती है वो है तो डालिए, नहीं तो फिर चम्मच। पर हमारे पास स्टिक है तो ठीक है, ये ऐसे हम डाल देंगे। ओके और इसको हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर। यस, और सेम चीज अगर आप चाहो तो मारी बिस्किट के साथ भी कर सकते हो। ओके चलो। तो गाइस हमारी बिस्किट वाली आइस कैंडी रेडी हो गई है। तो मैंने बनाई ये मारी वाली आइस कैंडी। ओ गॉड, मेरी निकल गई। हाँ निकल गई। ओह कैसी लग रही है? अरे गाइस बाहर की आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, यही आइसक्रीम खाओ, कितनी टेस्टी लग रही है। एक्चुअली ये लग भी नहीं रही है कि हमारी बिस्किट से बनी हुई है। मेरी तो हाइड एंड सीक वाली और इतनी टेस्टी लग रही है गाइस। मुझे टेस्ट चाहिए। हाँ ले, है ना अच्छी। अगर आपने कभी चॉकलेट आइसक्रीम खाई है ना तो सेम वैसी ये लग रही है। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। मैं खाता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ओके फिर नेक्स्ट बनाते हैं। तो गाइज ये इंग्रेडिएंट्स देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सी आइस कैंडी बनाने वाले हैं। कौन सी पता है ना? हाँ। कोकोनट। ये तो कोकोनट लग रहा है। वाटरमेलन। अरे पर मुझे तो कोकोनट की खानी है ना। लेकिन ना अभी सीजन चल रहा है वाटरमेलन का, तो हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन आइस कैंडी। okay. जो सुपर डुपर इजी है। सुपर डुपर बताना फिर कितनी इजी है। ओके तो सबसे पहले हमें वाटरमेलन लेना है, तो इसका सीजन है तो ये आपको मिल ही जाएगा आसानी से। तो इसे ना हमें करना है जूस, तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हो या फिर कुछ चम्मच वगैरह से कर सकते हो। सबसे इजी प्रोसेस है मिक्सर के अंदर। तो हम ना इसके अंदर डालेंगे ये वाटरमेलन के पीसेस। जूस, अरे पर शक्कर है ना यहाँ पे, वो डालनी होगी ना। अरे वो तो बाद में डालेंगे। नहीं अभी डालेंगे, अभी डालनी है, प्लीज अभी डाल दो ना। गाइस अगर आप चाहो तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हो इसका टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए। तो हम ना इसमें बस एक चम्मच ही शक्कर डालेंगे। दो चम्मच चाहिए। ओके तो दो चम्मच हम डालेंगे। तीन चम्मच नहीं, इतनी काफी है। तो इसका हम बनाएंगे जूस। तो ये हो गया हमारा वाटर मेलन का जूस रेडी 2 मिनट में। तो चलो अभी इसको डालते हैं ग्लास के अंदर। और ये है जूस जिसके अंदर हमने स्टिक के लिए पता है हम चम्मच ही यूज करते हैं। और इसको क्या करना है गाइस? फ्रीजर के अंदर रखना है, दैट्स इट। यस प्रीति स्मार्ट हो गई है। चलो कब हो गई आइस कैंडी रेडी, मुझे खाना है। तुझे एक बात बताओ क्या? आइस कैंडी तो रेडी हो गई,
तू जल्दी लेके आना। ये देख वाटरमेलन आइस कैंडी। बाहर आएगी? हाँ क्यों नहीं, ये देख वाओ। सी गाइस, ये डिश यूज करने तो हाँ ऐसे ही होता रहेगा। कैसी लग रही है? एक्चुअली वाटरमेलन खाने से अच्छा तो ये आइस कैंडी है। वाओ, ए थोड़ी मुझे दिखाना। नहीं नहीं, ए थोड़ा टेस्ट तो करवा यार। देना? नहीं मैं पूरी खा लूंगी। मैंने बनाया यार, मुझे नहीं दे रही है। देना गायो, बहुत टेस्टी है ये आइस कैंडी ना, आप जरूर ट्राई करना। और प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी आइस कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहते हो कि हम इसका और पार्ट टू बनाए, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अमेजिंग और एक्साइटिंग वीडियो साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।